हे गाइस व्हाट्स अप, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बहुत सारे रशिया हेटर्स जो है और कुछ इंडियंस, इवन मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, मोस्टली इस लिबरल चैनल्स में ही ऐसे कमेंट्स आते हैं। और वो बोल रहे हैं कि एक कमेंट में पूछा था कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंडियंस जो है आज भी रशिया को क्यों सपोर्ट करते हैं, इज़ इट बिकॉज ऑफ द 1970 वॉर, लेकिन वो तो बहुत पास्ट था और वो USSR था वगैरह वगैरह, द स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स बेसिकली। और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे उन्हें, ऑल दिस लिबरल्स, कि सिर्फ जो है अंधभक्ति जो है वो रशियंस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन असली आंसर तो ये है, रशिया को क्यों सपोर्ट करता है इंडियंस वो तो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। बट जो कि वेस्ट को सपोर्ट करता है, उनके दो ही रीजंस हो सकते हैं, या तो वो अच्छे माँ बाप के नालायक बेटे या फिर बेटियाँ है, या फिर उनके पूर्वज उन में से थे जो दो कौड़ी के लिए ब्रिटिशर्स के जूते चाटते थे। शायद उन एंग्लो सैक्सन्स के जूते चाटने के जो आदत थे वही उन्होंने विरासत में हासिल की है, इसीलिए वो CNN, BBC ऐसे जो है वेस्टर्न मीडिया को रशिया के अगेंस्ट सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो भी इंसान में कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ होती है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये अमेरिका और एंग्लो सैक्सन जो देश है वो कितने बड़े हिपोक्रिट्स है, और इनको जवाब देने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। और दूसरा कारण क्या है वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और ऐसे जो है शायद ही कोई देश होगा जो जहाँ पे एक स्कूल में बच्चों को इंडिया के बारे में इस तरीके से बताया जा रहा है और इंडिया के कल्चर को इस तरीके से स्प्रेड किया जा रहा है, शायद ही कोई ऐसा देश होगा, और ये रशिया में ही देखने को मिलता है। और ये वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको दो अच्छी न्यूज़ दे देता हूँ। सबसे पहले तो यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी जो कि येकेटरिनबर्ग में है, येकेटरिनबर्ग मतलब रशिया का इंडस्ट्रियल हब बोला जाता है येकेटरिनबर्ग को, और वहाँ के यूरल यूनिवर्सिटी ने इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किया है, हमारे बीच MOU साइन हो रहा है, और हमारे थ्रू इंडीवर्ल्ड के थ्रू आप यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और फर्स्ट ईयर जो है आप इंडिया में ही पूरा कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको मिलेगा, हमारे सेंटर्स जो है इंडीवर्ल्ड एजुकेशन के सेंटर्स दिल्ली और कोलकाता में है फिलहाल। और अगर आप अपने एरिया में इंडीवर्ल्ड के जो इंडीवर्ल्ड एजुकेशन के ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, जहाँ पे आपको येकेटरिनबर्ग और भी डिफरेंट रशियन यूनिवर्सिटीज़ में आप स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। फिलहाल जो है दिल्ली और कोलकाता में इंडीवर्ल्ड्स के सेंटर होंगे, जहाँ पे यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी में आप कोई भी कोर्स जो सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर आप इंडिया में बैठ के ही कंप्लीट कर सकते हैं। और यूरल यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हमारा एक इंटरव्यू हुआ है जो कल सुबह 10 बजे अपलोड होगा, और वहाँ पे आपको डिटेल्स में सारे कोर्सेस और क्या क्या फैसिलिटीज, अगर आप इंडीवर्ल्ड की ओर से जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे, वो सारे जो है आपको डिटेल्स में जानने को मिलेगा कल सुबह 10 बजे जो इंटरव्यू आएगा। और दूसरी न्यूज़ जो है वो इससे भी बड़ी है, एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रशिया के कुछ IT कंपनीज ने इंडीवर्ल्ड को कॉन्टैक्ट किया है, और रशिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ इन अ डायर नीड ऑफ IT स्पेशलिस्ट, तो उनके कुछ वैकेंसीज है, और इंडियन प्रोग्रामर्स का वहाँ पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन है। तो अगर आपको एक सर्टेन एक्सटेंट, अगर आपको बेसिक कोडिंग जो है वो आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रशियन लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक छोटा सा 6 महीने का कोर्स डिज़ाइन किया है प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स के लिए, जहाँ पे और आपको ट्रेन करेंगे एक इंडियन जो कि ऑलरेडी रशियन कंपनी में काम कर रहे हैं, एक इंडियन प्रोग्रामर, और उनको काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस है कि रशिया में इस टाइम जो है क्या नीड है। तो उस टाइप से ही, उस तरीके से आपको 6 महीने के लिए जो है ट्रेन किया जाएगा, तो उनका भी एक इंटरव्यू आ रहा है, तो आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो डिटेल में जानने के लिए आप मुझे अभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए आज रशियन स्कूल का ये वीडियो देख लेते हैं, और उसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो किसके बारे में है वो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये वीडियो जो कि आप देख रहे हैं ये सिर्फ 7 महीने पहले ही आया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पुराना वीडियो जो है मैं दिखा रहा हूं। और सेकेंडली जो ये फेस्टिवल है ये एक्चुअली बहुत सालों से ही चलता आ रहा है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। हमारी सिटी के स्कूल के हॉल में रशियन बच्चों के नजरिए से भारत को देखने के लिए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। ये रशियन बच्चों का फेस्टिवल है और इसे रशिया एंड इंडिया हार्ट टू हार्ट कहा जाता है। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाने वाले आर्ट स्कूल के स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया गया। क्रसता है दुरुजबा असनोवा मीरा। और वो इस आर्ट वर्क को सिर्फ इस फेस्टिवल के दौरान ही बनाते हैं। फिर वहाँ एक मैटर क्लास होता है जहाँ बच्चे मोती और स्टोन से इंडियन ज्वेलरीज बनाने की कोशिश करते हैं। जल्दी रशियन बच्चों के नजरिए से भारत के बारे में नॉलेज के इस फेस्टिवल को रशिया की दूसरी सिटीज में ले जाया जाएगा। तो वीडियो तो आपने देखा, और आपने ये भी देखा कि कुछ बच्चों को जो है पुरस्कार भी दिया गया उनके आर्ट वर्क के लिए, लेकिन उन्होंने ड्रॉ क्या किया। लकीली थोड़ा रिसर्च करने के बाद इस फेस्टिवल के नाम से जब मैंने सर्च किया तो यूट्यूब में जो है कुछ सिलेक्टेड अच्छे ड्राइंग्स जो है उन्होंने अपलोड किया उनके तरफ से, रशियन स्कूल के तरफ से, और वो यूट्यूब वीडियो जो है वो मैं वीडियो के एंड में अटैच करूँगा। तो वीडियो के एंड में ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में जब आप देखेंगे उनकी ड्राइंग्स तो आप सच में इमोशनल हो जाएंगे, हो सकता है कि आपके आँखें जो है वो नम हो जाए,
मेरे तो बिल्कुल हुए थे। मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से जो है यूट्यूब में रशिया से इंडिया के बारे में जो पॉजिटिव वीडियोज़ है वो डालता ही जा रहा हूँ, तो 4 साल से मेरे इतने सारे कॉन्टेंट्स चल रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि कितने सारे पॉजिटिव कॉन्टेंट्स है, तभी जो है 4 साल से जो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। और हाँ, पहले बहुत सारे जो है रशियन वीडियोज़ मैंने डायरेक्टली अपलोड किया था सबटाइटल डाल के, जो कि मुझे बाद में डिलीट करने पड़े थे क्योंकि यूट्यूब पॉलिसीज़ जो है चेंज हो रहा था, तो मैं डायरेक्टली नहीं डाल सकता था। तो मैं बेसिकली जो है बहुत सारे वीडियोज़ डिलीट तो हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट लाइक 200 वीडियोज़ पहले के 2 साल के थे, और अगर हम 2019 से 2021 की बात करूँ मैं तो और भी अराउंड 200 वीडियोज़, तो 400 वीडियोज़ से भी ज़्यादा जो है पॉजिटिव, और भी मतलब मैंने अभी भी जो है इसका मतलब 40-50% भी कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे और जो है पॉजिटिव वीडियोस इंडिया के बारे में रशिया में। और तो चलिए एक और भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में, लेट्स वॉच। Это Санёк. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как давно ты живешь в Индии, Санёк? Я живу в Индии уже 5 месяцев. Тебе нравится? Да, да, да. Пожил в Калькутте месяцок. Да, оттуда я уже приехал в Мумбаи, и тут началось уже все самое интересное. Карандаши. Ну вот смотри, видишь, совсем другая Индия. Все, приехали в другую Индию, ребят. Да. Дома здесь намного красивее, качественнее. Дороги тоже чистые, приятные. Вот народ убирается. Современная Индия, Мумбаи. Приятный парк. Вон то здание потрясающее. Так, здесь классно. Это вот мы в Тане. Если смотрели предыдущую серию, по правой стороне с хайвея. Но сейчас мы едем из Тане Стейшн. Время у нас заняло где-то 20 минут. Потрясающее вот это здание, многоквартирный дом. Фу, классно. Вон дорогие машины ездят. Мазерати или что это? Ягуар. А, Ягуар. Вот, это какой-то молл. А ты здесь что-нибудь уже покупал? Нет, тут людей надо на пешеходном переходе пропускать. Ну это правильно, я бы тоже так делал. Дорога из брусчатки сделана. Намаскар, намасте. Красиво. Как в Москве прям. Да. Ну как, он просто большой дом с большим количеством магазинов хороших. Ага, ну пойдем посмотрим. Так, там в основном более кафешки даже. О, собаки современные, лабрадор. Кстати, лабрадор тут самая распространенная собака среди людей, которые дома держат. Родители ждут своих учеников. И, может быть, это родительское собрание на улице? Starbucks, что там еще? Вот, ну свежий выполнен. Запах приятный. Правда, единственный минус — от станции далековато. Но несмотря на это. सबसे पहले नादेश दा कोलोस ने लिखा है कि इंडिया बहुत ही अलग लगा इस वीडियो में, इंडिया कभी आश्चर्यचकित कर देता है तो कभी शॉक करता है। थैंक यू निकिता हमें एक अलग ही इंडिया दिखाने के लिए। उसके बाद गालिना टेबियेवे ने लिखा है कि इंडिया बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहा है। उसके बाद दोरोगा कुजनेत्सोवा ने लिखा है कि निकिता आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया वहां पे, और हमारा टाइम भी जो है आपका ये व्लॉग देख के अच्छा बीता। मेरा रिक्वेस्ट है सारे रशियन से कि जम के इनका सपोर्ट करो और इनके चैनल को जो है ग्रो करो। और ये मैं इंडिया को भी कहना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया के बारे में जब भी कोई नेगेटिव वीडियो आता है तो इस्लामिक कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान और ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो जम के उनके जो आईटी सेल्स है
वो जम के प्रमोट करते हैं, इसीलिए जो है इंडिया के बारे में कोई भी नेगेटिव वीडियो जब आते हैं तो उनको बहुत सारे व्यूज मिलते हैं। और इसके बारे में मैंने विद प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, बट फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे जो वीडियोज हैं जो कि पॉजिटिव साइड दिखाते हैं इंडिया की, उनको जम के इंडियंस को सपोर्ट करना चाहिए। तो उनके जो वीडियो में है इंग्लिश सबटाइटल्स है और उनको अच्छी तरीके से सपोर्ट करो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मीरा कावालेवा ने लिखा है कि तो इंडिया इतना क्लीन और इतना मॉडर्न भी है। उसके बाद आइडाना सेरिकोवा ने लिखा है कि ऐसे इंडिया में तो मैं बहुत मज़े से घूमना चाहती हूँ और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। उसके बाद सारिया लॉगिनोवा ने लिखा है कि ऐसे पार्क में हर एक पापा को अपने बेटे या फिर बेटियों को घूमने ले जाना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं तब ये पार्क उनके लिए ऑलरेडी उतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है, तो बचपन में ही जो है पापाओं को ऐसे पार्क में अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। उसके बाद मीरा कवाईलेवा ने लिखा है कि मैंने टीवी में हमारे मीडिया में एक बहुत ही मॉडर्न इंडियन सिटी देखा जहाँ पे आईटी के लोग बहुत सारे काम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उस शहर में जाइए और वहाँ का व्लॉग बना के हमें दिखाइए। शायद बेंगलोर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद गालिना इनागामोवा ने लिखा है कि एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड टू सी दिस वीडियो, क्योंकि हमारे मीडिया में पूरे इंडिया को एक डर्टी जगह के तौर पर दिखाया जाता है। अगेन इस्लामिक कंट्री जहाँ पे ज़्यादातर जो है 80% मुस्लिम्स है और वो हमेशा इंडिया के बारे में नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स ही जो है वो फैलाता है। तो ऐसे कमेंट्स है, मैंने वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और खुद भी कुछ कमेंट्स पढ़ सकते हैं और जमकर इनको सपोर्ट कीजिए। तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Thank you.